एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के समय किस तरह की लाइफ थी वह इस चैप्टर में दिया गया है कि 320 ईयर्स तक सल्तनत रूल रहा और मुस्लिम रूलर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए सोसाइटी में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए। इन द 13th सेंचुरी द सुल्तान डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू मिलिट्री एरियाज। देयर वर नोन एज इक्ता। द होल्डर्स ऑफ इक्ता वर कॉल्ड इक्तादर्स। इट वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। द हिंदूज एंड द नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे जजिया टैक्स एंड द मुस्लिम हैड टू पे अ टैक्स कॉल्ड जकात। जकात। इब्न बतूता डिस्क्राइब्स दिल्ली एज द मोस्ट मैग्निफिकेंट सिटी। गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री रीच्ड दिल्ली। द सुल्तान्स इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइंस कॉल्ड टांका एंड कॉपर कॉइंस कॉल्ड दरहम। तो जो सल्तनत पीरियड था उसमें हिंदू जो थे और नॉन मुस्लिम जो लोग थे वो जजिया टैक्स को पे करते थे और जो मुस्लिम थे उन्हें जकत नाम का टैक्स पे करना होता था। बतूता ने दिल्ली को मोस्ट सिग्निफिकेंट सिटी बताया था और सारी कंट्री से जो गुड्स था, सामान था, वो दिल्ली पहुंचता था। सुल्तान ने सिल्वर कॉइन टांका को इंट्रोड्यूस किया था और कॉपर कॉइन दरहम को इंट्रोड्यूस किया था। इस ड्यूरेशन में सल्तनत ड्यूरेशन भक्ति मूवमेंट भी बहुत सारे हुए और बहुत सारे संत हुए। गुरु नानक देव सूफिज्म भी उस समय बहुत फैला, तो बहुत सारे संत भी उस वक्त हुए। लेट्स सी द एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वॉज 4। द मेन एंड सेंटर ऑफ ट्रेड where goods from all over the country were brought was Delhi. Second, fill in the blanks. A new language blank developed by mixing Hindi and Persian. So the answer is Urdu. Now second, the famous philosopher, thinker and writer of this period blank wrote in Urdu, Persian and Hindi. So the answer is Amir Khusro. Now third, in the field of surgery blank and blank were famous. So the answer is Machendra and Jog. Now match the following: Qutub Minar, Delhi, Gol Gumbaz, Bijapur, Kabir. Try to remove the difference between Hindus and Muslim. Guru Nanak, founder of Sikhism. Now short answer type question and long answer type questions you have to revise by yourself. Children, now see the chapter number 13, the foundation of the Mughal Empire and its rise. इस chapter में बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर के बारे में बताया गया है। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और वही जो थे वो मुगल एम्पायर, भारत में मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। After Babur's death, his eldest son Humayun sat on the throne of Delhi. शेरशाह वॉज द सन ऑफ द जागीरदार ऑफ बिहार। हिज रियल नेम वॉज फारिद खान। ही डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय हिज शीर करेज एंड इंटेलिजेंस। हुमायूं हैड टू लिव इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स। अब बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा जो हुमायूं था उसे गद्दी मिली, दिल्ली का शासन उसे मिला और शेरशाह जो था वह बिहार का रहने वाला था, बिहार के जागीरदार का बेटा था, उसका रियल नाम फारिद खान था। उसने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी बहादुरी से हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को 15 साल के लिए उसे देश निकाला दे दिया। And during his exile on 15th October 1542, Akbar was born to Humayun at the palace of the king of Amarkot, Veersal. और जब हुमायूं को देश निकाला दिया गया तो उसी समय पर 15th October 1542 को अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के राजा के महल में। जो हुमायूं के जो सक्सेसर थे वो उतने काबिल नहीं थे और इसलिए जो नॉर्थ इंडिया था वो कमज़ोर हो गया और वहाँ पर फिर लोगों का, छोटे छोटे सरदारों का और दूसरे ऑफिसर्स था, वो आपस में लड़ाई करने लगे और स्वतंत्र होने लगे। हुमायूं ने इस चीज़ का, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और ईरान के शाह की मदद से उसने कांधार और काबुल को पर विजय प्राप्त कर ली और इस तरह से एक बार फिर से मुगल एम्पायर जो था वो भारत में इस्टैब्लिश हो गया।
और उसके बाद 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका बेटा अकबर को शासक बना दिया गया। अकबर जो था वो 13 ईयर्स का था सिर्फ जब उसे राजा बनाया गया। अकबर ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज चलाई ताकि जो भारत है वह पूरे भारत पर राज कर सके। तो उस वक्त राजपूत थे और भी दूसरे लोग थे जो कि अकबर की शासन को नहीं मानते थे और अपने आप को स्वतंत्र समझते थे। तो अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई थी, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, मनसबदारी सिस्टम, ये सारे अकबर ने चलाए हुए थे। और अकबर के समय का आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ऐसा बिलीव किया जाता है, 9 जेम्स थे, और वो थे अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, तानसेन, बीरबल, हाकिम हुकम, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी एंड मुल्ला दो प्याज़ा। ये सारे 9 जेम्स थे अकबर के कोर्ट में। नाउ लेट सी द एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। सेकेंड, द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बाबर। थर्ड, द बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस इन 1527 AD। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज नोन एज ब्लैंक, सो द आंसर इज तुजुके बाबरी। सेकेंड, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन ब्लैंक, सो द आंसर इज 1556 AD, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड थर्ड, ब्लैंक वॉज मेड द गार्जियन ऑफ अकबर, सो द आंसर इज बैरम खान। फोर्थ, शेरशाह रियल नेम वॉज ब्लैंक, सो द आंसर इज फारिद खान। एंड फिफ्थ, द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड ब्लैंक, सो द आंसर इज अफगान्स। नाउ यू हैव टू रिवाइज क्वेश्चन आंसर्स बाय योर सेल्फ।